जीरो। आप सभी का आज के इस टॉपिक में स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है जेड और जेड का साउंड। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अधिकतर इंटरव्यू में जहां पर आप बीपीओ इंडस्ट्री या कॉल सेंटर में इंटरव्यू देने जाते हैं, तो एचआर इस तरह के कुछ वर्ड्स आपके सामने लिख देंगे और आपसे कहेंगे इसे आप रीड करिए। अगर आप उसे सही से रीड करते हैं, आपका जो उच्चारण है, आपका जो प्रोनंसिएशन है, आपका जो साउंड है, अगर आपका सही निकलता है तो आप सिलेक्ट होंगे, अदरवाइज आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो हमें ये जानना होगा कि जेड और जेड साउंड किस तरह से बोले जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जेड साउंड। जितने भी वर्ड्स होते हैं जो जेड से स्टार्ट होते हैं, लोग उनको गलत प्रोनाउंस करने की कोशिश करते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि जेड साउंड जस से बिल्कुल अलग होता है। जब हम जेड का साउंड करें तो वो ज नहीं होता और झ नहीं होता। आपने देखा होगा उर्दू में ज के नीचे एक छोटी सी बिंदी लगी रहती है, इसको बोलते हैं नुक्ता। तो ये होता क्या है, इसे हम पढ़ते हैं ज ज। अब आप कहोगे ज क्या होता है, तो जो जाजनी भी होती है ज, इससे थोड़ा सा अलग होता है। इसमें अंतर ये होता है कि हमारी जो जीभ है उसमें एक छोटा सा वाइब्रेशन आ जाता है। जैसे मोबाइल वाइब्रेट पर लगा देते हैं तो कैसे करता है ज, ज, वैसे ही हमारा अक्षर है। तो जब हम इसे प्रनाउंस करेंगे तो देखिए ज, ज, इस तरह से प्रनाउंस करेंगे, जेब्रा जेब्रा। लोग इसको बोलते हैं जेब्रा, ये जेब्रा नहीं है, ये है जेब्रा। इसे हम पढ़ेंगे जोन जोन। इसे हम पढ़ेंगे जूम जू। अब यहां पर देखिएगा, आपने काफी वर्ड्स ऐसे देखे होंगे जिसके आखिरी में जेड ए टी आई वन आता है। तो इसका प्रनाउंस कैसे करेंगे, ज ज। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा ज ज। तो इसे हम पढ़ेंगे जेशन जेशन। तो जैसे ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटराइजेशन, अर्बनाइजेशन जील जीरो जिगजैग, इस तरह से आप इसका उच्चारण कर सकते हैं। अब हम देखते हैं जेड एच का साउंड। तो जेड एच का जो साउंड है, आपने देखा होगा श, इसके नीचे छोटी सी बिंदी लगा दें तो ये हो जाता है ज ज ज। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले जो मैंने एक वीडियो बनाया है एस एच का उच्चारण, तो एस एच और जेड एच दोनों मुंह के एक ही स्थान से बोले जाते हैं। ये जो साउंड है मुंह के एक ही स्थान से बोले जाएंगे। अब अंतर ये होता है कि जो एस एच का साउंड होता है श, जिसको हम बोलते हैं सीटी वाला श, उसमें सिर्फ हमारे मुंह से हवा निकलती है श श, इस तरह से। लेकिन जो जेड एच का साउंड है, इसका प्रोनाउंस करेंगे तो हमारे मुंह से इसमें थोड़ा सा वाइब्रेशन होगा। जैसे इसे लोग बोलते हैं विजन, तो ये विजन नहीं है, इसे हम विशन विशन भी नहीं बोल सकते ना विजन बोल सकते हैं। तो क्या बोलेंगे इसे हम, इसे हम बोलेंगे, ध्यान से देखिएगा, विजन विजन, रिविजन रिविजन। इसे पढ़ेंगे डिविजन डिविजन, मसाज मसाज। इसे एक्सप्लोजन एक्सप्लोजन, डिसीजन डिसीजन। इसे हम पढ़ेंगे कंफ्यूजन कंफ्यूजन। इसे पढ़ेंगे कंफ्यूजन कंफ्यूजन। इसे पढ़ेंगे डाइवर्जन डाइवर्जन। और इसे हम पढ़ेंगे कैजुअल कैजुअल। इसे प्लेजर प्लेजर। इसे हम पढ़ेंगे टेलीविजन टेलीविजन। उम्मीद है आपको जेड एच और जेड में सही अंतर पता पड़ गया होगा। और अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कर सकते हैं।